छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की लोकसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है। सरगुजा संवाद कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि विचारों की लड़ाई का चुनाव है, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही जीत दर्ज की जा सकती है। भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जनता वसूली करती है, ईडी का गलत उपयोग करती है, ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई जरूरी है। चरणदास महंत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि महंत मजाकिया लहजे में बयान देते हैं, उनके अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। लोगों के मन में ये भी है कि गड़बड़ हो गया, पिछले बार गलतियां हो गई, अब अपने को सुधारना है और अपनी जगह बनाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को ये पहल करनी होगी कि अपने प्रतिनिधि को दिल्ली भेजें।